तो दोस्तों फाइनली अपना जो चैनल है उसमें हैंडल बार आ चुका है। जैसे कि दोस्तों आप पिछले वीडियो में कुछ दिन से पहले अपडेट जो आया था, सबके चैनल पर एक हैंडल बार आएगा, यानी कि जो नाम है चैनल का नाम उससे पहले @ लगाया जाएगा, वो आपका हैंडल बार होगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरा YouTube एप्लीकेशन है। तो चलिए इसको ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो चैनल है उस पर हैंडल बार आया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों ओपन करते हैं। तो ये रहा YouTube, तो इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं अपना जो चैनल का जो लोगो है, सिंपली दोस्तों इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका चैनल पर हैंडल बार आया है या नहीं। तो चलिए इसको क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर आपका जो चैनल का नाम ऊपर में शो होता था, लेकिन दोस्तों अभी हैंडल बार आने के बाद में वो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं @, उसके बाद में टेक्निकल संजीव यहाँ पर आ चुका है, यानी कि जो मेरा चैनल है उसमें हैंडल बार आ चुका है। तो इसका क्या क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों किसी भी अगर चैनल को आप सर्च करेंगे तो दोस्तों वो तुरंत मिल जाएगा वो चैनल। तो चलिए मैं मेरा जो एक ब्लॉग चैनल है उसमें भी हैंडल बार आ चुका है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से मैं सर्च करके देखता हूँ कि वो जो मतलब फटाक से वो चैनल आता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर सर्च बटन है, यहाँ पर मैं अपना जो चैनल ब्लॉग चैनल है उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो पहले से मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं संजीव द ब्लॉग्स मेरा जो चैनल है, तो यहाँ पर मैं सर्च किया था, लेकिन दोस्तों इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। पहले रिमूव करते हैं उसके बाद में देखेंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ जो सर्च बार है इसके ऊपर में टैप करेंगे, उसके बाद में सबसे पहले हम लोग इसमें @ लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो संजीव द ब्लॉग्स जो मेरा चैनल है उसमें उसको सर्च करेंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं लगा देता हूँ संजीव, उसके बाद में यहाँ स्पेस आपको देना होगा, उसके बाद में द, उसके बाद में ब्लॉग्स। तो यहाँ पर ब्लॉग्स लिख देता हूँ। तो सिंपली देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ @, उसके बाद में संजीव द ब्लॉग्स, ठीक है। ये मेरा जो दूसरा चैनल ब्लॉग चैनल है, तो चलिए इसको सर्च करके देखते हैं कि वो आता है कि नहीं। तो यहाँ पर सर्च सिंपली मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ऊपर में ही मेरा जो चैनल है संजीव द ब्लॉग्स वो आ चुका है, यानी कि दोस्तों जो हैंडल बार है वो अच्छा तरह से काम कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर मैं संजीव द ब्लॉग्स अगर मारता तो दोस्तों काफ़ी सारा वीडियो यहाँ पर शो होता, लेकिन दोस्तों फर्स्ट में ही मेरा जो चैनल है वो शो हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपना जो चैनल है उसको अगर सर्च करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं @, उसके बाद में संजीव स्पेस द, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में ब्लॉग्स। तो मैं इसको जब सर्च किया तो दोस्तों पूरा जो चैनल है यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पेस जो आप नहीं देंगे तो कैसा आपका जो चैनल है वो सर्च में आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं फिर से @ जो सर्च करूँगा, @, उसके बाद में यहाँ पर संजीव द, यहाँ पर स्पेस नहीं दूंगा, उसके बाद में यहाँ पर ब्लॉग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर स्पेस नहीं देने से आपका जो चैनल है वो कैसा सर्च में आएगा, उसको आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पिछले बार में जो आपको दिखाया था यहाँ पर @, उसके बाद में संजीव स्पेस द, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में फिर से ब्लॉग्स, तो ऐसा मैं सर्च किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ @, उसके बाद में संजीव द ब्लॉग्स, मतलब स्पेस हटा दिया हूँ। तो आपको कैसा सर्च रिजल्ट आपको मिलेगा, तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसा जब सर्च करेंगे तो इस तरह आपका जो चैनल है वो आएगा। तो आपको ज़रूरी है कि आप स्पेस देंगे तो वो जो चैनल है वो आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा। ये मेरा जो यहाँ पर 3 या 4 नंबर में यहाँ पर शो हो रहा है मेरा वीडियो। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जब स्पेस देंगे तो कैसा इंटरफेस जो चैनल का है वो देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं @ संजीव द ब्लॉग्स में मारा हूँ, सर्च किया हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंटरफेस अलग आ रहा है, यानी कि जो वीडियो है यहाँ पर नीचे में मेरा शो कर रहा है 2 या 3 नंबर में शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अगर हम यहाँ से स्पेस दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर @, उसके बाद में संजीव द, उसके बाद में स्पेस यहाँ पर दे देते हैं, उसके बाद में देखिए दोस्तों कैसा जो सर्च रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ
देखिए कमाल की बात। तो दोस्तों देख सकते हैं कमाल की बात कि मेरा यहाँ पर फास्ट में ही आपका जो चैनल है वहाँ पर आ जाता है। तो ज़रूरी है @ लगा करके अगर आप 2 या 3 वर्ड का जो चैनल है उसको सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आप स्पेस दे करके जब सर्च करेंगे तो वो आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है। तो ये हैंडल बार का फ़ायदा है दोस्तों, अगर आपको मिला है तो दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हैं किसी का चैनल को खोजने के लिए या ढूंढने के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से बैक आने के बाद में दोस्तों मेरा जो ये टेक्निकल चैनल है तो सिंपली मैं ब्लॉग चैनल को लॉगिन करके टेक्निकल जो चैनल है उसको सर्च करूँगा। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको अकाउंट मैनेज पर आके सिंपली मैं अपना जो ब्लॉग चैनल को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ से अपना जो ब्लॉग चैनल लॉगिन हो चुका है तो यहाँ पर फिर से हम लोग उस जो टेक्निकल संजीव जो है उसको हम लोग यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे तो वो आएगा कि नहीं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सर्च बटन है तो सिंपली दोस्तों इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम लोग को क्या करना है @ उसके बाद में टेक्निकल लिखेंगे। तो यहाँ से मैं टेक्निकल लिख देता हूँ टेक्निकल, उसके बाद में स्पेस आपको दे देना है, उसके बाद में संजीव लिख देना है। यानी कि बीच में अगर आपका कुछ वर्ड है यानी कि 2-3 वर्ड है तो आप स्पेस दे करके डायरेक्ट आपको क्या करना है सर्च कर देना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से नीचे से सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो हम लोग का जो चैनल है वो आता है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ से मैं सर्च कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीक़े से काम कर रहा है हैंडल बार। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो चैनल है यहाँ पर आ चुका है टेक्निकल संजीव, यानी कि अब @ उसके बाद में टेक्निकल स्पेस संजीव। अगर ये चीज़ आप लिख के सर्च करते हो तो तुरंत आपका वीडियो मतलब जो चैनल है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, आपका पूरा वीडियो यहाँ पर शो हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप डायरेक्ट यहाँ से अगर टेक्निकल संजीव सर्च करेंगे तो दोस्तों मतलब एक वीडियो का नीचे में ही मेरा जो चैनल है वो शो होगा, नहीं तो कभी कभी ऊपर में भी शो होता है। लेकिन दोस्तों जो हैंडल बार जो आया है तो दोस्तों अगर आप हैंडल बार यूज करते हैं यानी कि @ करके आप सर्च करेंगे तो दोस्तों ऊपर में ही आपका जो चैनल है जो चैनल आप सर्च करेंगे वो चीज़ यहाँ पर ऊपर में ही आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आप अच्छी तरीक़े से ये आप यूज कर सकते हैं हैंडल बार को अपना जो किसी का भी चैनल को सर्च करने के लिए। तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि हैंडल बार किस तरह से काम करता है और बहुत ही अच्छा तरह से ये काम करता है। अगर आप @ करके आप किसी भी चैनल को आप सर्च करेंगे तो वो तुरंत आपका जो सर्च रिजल्ट का ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको अगर दोस्तों हैंडल बार मिल चुका है तो दोस्तों कमेंट में लिखना मत भूलना कि मेरा भी एक जो हैंडल बार आ चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।